नमस्कार फ्रेंड्स, ग्रेट एमएस वॉइस में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है बहू बीती थोड़ी रही, इसका मतलब आप कहानी में समझेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा बूढ़ा हुआ चला था। उम्र के इस पड़ाव में उत्सव मनाना चाहता था, अपने मित्र देश के राजाओं को बुलाना चाहता था, बड़ा कार्यक्रम करना चाहता था। उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उसने अपने राज्य की जो सबसे प्रसिद्ध नर्तकी थी उसे बुलाया, और उस कार्यक्रम में उसने अपने गुरुदेव को भी बुलाया। कार्यक्रम शुरू हुआ, राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्रिकाएं अपने गुरु को दे दी और कहा कि यह आप इस नर्तकी को पुरस्कार में दीजिएगा। शानदार सा रंगारंग प्रोग्राम चलने लगा। जो राजा की बिटिया थी राजकुमारी, वह भी वहीं बैठी हुई थी, और राजा का बेटा जिसे युवराज घोषित कर दिया गया था वह भी वहीं बैठा हुआ था। कार्यक्रम चल रहा था, हर कोई ताली बजा रहा था। कार्यक्रम चलते चलते रात के 3:30 बज गए। उस नर्तकी ने देखा कि उसके तबले वाले को नींद आने लगी। तभी नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। नर्तकी ने कहा, बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गए बिताए, एक पलंग के कारणे क्यों कलंक लग जाए। यानी एक बार झपकी लग गई तो कलंक लग जाएगा। वह तबले वाले को जगाना चाह रही थी कि जागो, इतने अच्छे से कार्यक्रम हुआ है, क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम। राजा को पता लग गया तो दंड मिलेगा। तबला वाला अचानक से चौंक गया। अब वह ढंग से तबला बजाने लगा, होश में आ गया। लेकिन उस दोहे का अर्थ सबने अलग अलग निकाला। कमाल हुआ कि जो गुरुदेव बैठे थे उन्होंने सारी स्वर्ण मुद्रिकाएं नर्तकी को दे दी। जो राजकुमारी बैठी थी उसने अपना नौलखा हार नर्तकी को उपहार में दे दिया। युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को दे दिया। राजा सिंहासन से सब कुछ देख रहा था और चौंक गया कि नर्तकी क्या कर रही है। एक दोहा बोल करके सबको पागल बना रही है, लूट रही है। राजा ने वह कार्यक्रम रुकवा दिया और नर्तकी से कहा, तुम क्या कर रही हो, तुमने एक दोहा बोला और इन सबको लूट लिया, यह गलत है। राजा नर्तकी को बंदी बनाने के लिए कहने ही वाला था, तभी राजा के गुरु ने कहा, बस बस शांत हो जाओ राजन, इस नर्तकी ने बहुत सही बोला, क्योंकि उसने जो बोला उसका सबने अपना अपना मतलब निकाला। वो जो राजा के गुरु थे वह कहने लगे, इसने जो कहा है ना, उसका मतलब यह निकला है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जंगल में था, तपस्या कर रहा था पूरी जिंदगी पूरी उम्र, और अब इस उम्र के पड़ाव में तुमने यह कहा कि यहाँ आ जाओ और मैं यहाँ आ गया, इसे स्वर्ण मुद्रिकाओं से पुरस्कृत कर रहा हूँ, ये क्या पाप कर रहा था मैं। इस नर्तकी के दोहे ने मुझे जगा दिया, मुझे बता दिया मुझे कि मुझे कहाँ होना चाहिए था। राजा की बेटी कहने लगी, पिताजी मैंने भी इस दोहे का मतलब अपने हिसाब से निकाला है, मैं आज आपको बताती हूँ। मेरी उम्र हो चली है लेकिन आप मेरा विवाह नहीं करवा रहे। मैं आज की रात आपके महावत के साथ भागने वाली थी, लेकिन नर्तकी के इस दोहे ने मुझे समझाया, बहू बीती थोड़ी रही, थोड़ा समय बचा है, हो जाएगी शादी, वह एक गलती की वजह से आप पर क्यों कलंक लगाऊं। इसलिए मैं रुक गई, मुझे अच्छी बुद्धि आ गई, इसलिए मैंने वो नौलखा हार नर्तकी को उपहार में दे दिया। जो युवराज था वह कहने लगा, पिताजी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मेरी उम्र होती जा रही थी, मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, कब से इंतजार कर रहा हूँ और आप मुझे सिंहासन पर बैठा ही नहीं रहे। आज की रात मैं सैनिकों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था, अगला महाराज बनने वाला था, लेकिन नर्तकी के दोहे ने मुझे बताया कि कितना समय और बचा है, तुझे भी सिंहासन मिलेगा, सब्र रख। वह एक गलती की वजह से पिता का खून अपने ऊपर क्यों लेता है, पिता ही का खून क्यों करता है,
यह कलंक अपने माथे पर क्यों लेता है? उस नर्तकी के दोहे ने मुझे यह समझा दिया। राजा की आंखें खुल गई। नर्तकी सोचने लगी, उसके एक दोहे का मतलब सबने अपने अपने हिसाब से निकाल लिया है, वह खुद क्या कर रही है? उसे खुद भी यह काम बंद करके कुछ और करना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि बहू बीती थोड़ी रही, एक गलती की वजह से क्यों कलंक लगा रहा हूं। राजा ने भी अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया, अपनी बेटी का विवाह करवा दिया उसके पसंद के राजकुमार से, बेटे को सिंहासन सौंप दिया और खुद जंगल में चला गया संन्यास लेकर। छोटी सी कहानी है, लेकिन यह दोहा समझाता है, बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गए बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। लाइफ में हम बहुत सब्र से आगे बढ़ते हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कई बार हमारा सब्र टूटने लगता है, कुछ और करते हैं। बहू बीती थोड़ी रही, थोड़ा सा और समय बचा है, थोड़ा और सब्र लेकर चलिए, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से आप क्या समझे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।